जय श्री कृष्णा। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो भगवान के पास भागा भागा आता है और उन्हें अपनी अपनी परेशानियां बताता है, उनसे कुछ ना कुछ मांगने लगता है। अंततः उन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ, क्योंकि कोई न कोई मनुष्य हर समय मुझसे सिर्फ शिकायत ही करता रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, जबकि मैं उन्हें समय व कर्म के अनुसार सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट आते ही मनुष्य मेरे पास भागा भागा आता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ। अब आप लोग कृपया मुझे ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य कदापि नहीं पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कोई जगह बताई तो किसी ने कोई जगह, लेकिन सभी जगह मनुष्य के पहुंचने की संभावना थी। तब इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप महासागर में चले जाएं। वरुण देव ने सलाह दी कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। लेकिन भगवान ने कहा कि एक ने एक दिन मनुष्य तो वहां भी पहुंच जाएगा। अब भगवान निराश होकर सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकता हूं। अंत में सूर्यदेव बोले कि प्रभु, आप ऐसा करें, मनुष्य के हृदय में ही जाकर बैठ जाए, क्योंकि मनुष्य सभी जगह आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, मंदिर मस्जिद सब जगह माया रूपी संसार में भटकता रहेगा, किंतु फिर भी वह कभी भी अपने खुद के अंदर, अपने खुद के हृदय में आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। भगवान को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई और उन्होंने ऐसा ही किया। तब से भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य भगवान को मंदिर मस्जिद आकाश पाताल सब जगह ढूंढता फिर रहा है, किंतु अपने हृदय के अंदर कभी नहीं ढूंढता। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने फिर भी हमारे ऊपर दया करी, हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर दया करी और हमको भगवान का पता बता ही दिया। वे कहते हैं कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गीता में भगवान श्री कृष्ण से गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, कि अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों में, मतलब सभी प्राणियों में हृदय में विराजमान है, जबकि मनुष्य माया से भ्रमित होकर भगवान को जगह जगह पर ढूंढता फिरता है। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम आर्त भाव से, जब हम भगवान के सामने जिज्ञासु बनकर प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वतः ही अपने आप चले आते हैं, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।